भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। जोधपुर में भारी उत्साह देखा गया, काफी सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जो हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा शुरू की गई। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग इस समय एबीपी न्यूज के साथ है, जिनसे हम बात करेंगे। सर बताइए, जो आज ये यात्रा का शुभारंभ किया गया है, किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसका समापन होगा उसी की अनवरत प्रक्रिया में। आज ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है एक अभियान की शुरुआत की गई है इस गणतंत्र दिवस के मौके पर। और मैं देख रहा हूँ जोधपुर के लोगों का काफ़ी जोश है। जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के, और डर नफरत का भय का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। आज यहाँ शुरुआत की गई है। इस मौके पर हमारे जिला प्रभारी डूंगर राम गैदर जी, जौनों जिला अध्यक्ष सलीम जी और नरेश जी, अयूब खान प्रत्याशी, मनीषा पवार जी, राजू भाई सोलंकी जी, सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को, पार्षदगण और ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक के प्रभारी, और मैं देख रहा हूँ जोश है लोग। आप खुद ने देखा होगा जन आक्रोश यात्रा के मुकाबले, और हमारे इन लोगों के जोश में आपने फर्क देख रहे होंगे, लोगों में जोश है। और ये प्रक्रिया 2 महीने तक चलती रहेगी अनवरत रूप से। इसी तरह से हर महीने की 28 तारीख को 15 किलोमीटर की यात्रा में जो विधायक, जनप्रतिनिधि घर घर जाएंगे, और घर घर जाकर के जो हमारे अशोक गहलोत जी की नीतियाँ रही हैं, जो फ्लैगशिप योजना है, जन कल्याणकारी नीतियाँ, उनकी जानकारी देंगे, लीफलेट्स बांटेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो विफलता है, उनकी जो चार्जशीट है, उसको बताएंगे लोगों में, और पुनः 2023 में सरकार कैसे बने, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये हमारा प्रयास है। सर, ये तो आपका प्रयास है, जिस तरह से अभी आज काफी उत्साह देखा जा रहा है, अब कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या जिम्मेदारी रहेगी? पूरा ये कार्यकर्ताओं का जोश है, हमने कुछ नहीं किया, ये सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है, पार्षदों को, आम ब्लॉक के लोगों को जाता है। और ये चीज इस बात को बता रहा है, इसको बूटसअप और होगा, और 2023 में जो चुनाव होगा, इसका फल देखने को आपको मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि ये जोश, उत्साह वो अनवरत बना रहे। और मैंने तो अपील भी की है कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से और वर्कर से कि भाई, आपसी मतभेद तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपना एक ही विरोधी है, वह केंद्र सरकार की, बीजेपी सरकार की कारगुजारियों को जगजाहिर करना, उनकी विफलताओं को पब्लिक के समक्ष लाना, और हमारी सरकार की जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नीतियाँ हैं, आम जन को जो राहत दी है हर क्षेत्र में, उनको पहुंचाना, जानकारी देना, जिससे कि लोगों में जो जन विश्वास दिखाई दे रहा है आम जनता में, एंटी इनकमेंसी आपको नहीं दिखाई दे रहा, लोग तैयार बैठे हैं सरकार को रिपीट करने की, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को निश्चित रूप से पूरी किया जाएगा और पुनः सरकार बनाएगी। जितने पुनः सरकार बनाएंगे, विपक्ष के पास भी काफी सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आपका क्या रहेगा? मुद्दे हमारे चुनावी मुद्दे नहीं, हम तो आम मुद्दों की बात करते हैं, बुनियादी मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों में आक्रोश है, सिलेंडर का भाव देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इस देश में बढ़ रही हैं, और जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। वो नीतियां तय करते हैं केंद्र सरकार जब उनको क्रियान्वित करती है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखकर के नीतियां बनाते हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया, चाहे किसानों को 1,000 रुपये महीने का अनुग्रह राशि दी, 50 यूनिट का बिजली का बिल फ्री किया, 3 लाख से 3.5 लाख लोगों को रोजगार देने की, सरकारी क्षेत्र में करीब 1,80,000 हम रोजगार दे चुके हैं, जो देश में किसी ने नहीं दिया। तो ये जो नीतियाँ हैं इनको लेकर के जाएंगे, और केंद्र सरकार की जो विफलता है, बीजेपी की जो विफलता है, उनको बताएंगे और पुनः फिर सरकार में आएंगे। सर, मोबाइल का इंतजार कर रही है जनता राजस्थान की महिलाएं। निश्चित रूप से सही बात चल रहा है, लेकिन जिस तरह से साइबर क्राइम चल रहा है, मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, इसको लेकर के रीथिंकिंग चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अनुकूल निर्णय लेंगे। से बात करने के लिए जिस तरह से सुभाष गर्ग जी ने बताया कि, और जिस तरह से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से ये चल रहा है, इसको लेकर ये किया जा रहा है जोधपुर से तरनपुरी एबीपी न्यूज।
सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा का शुभारंभ आज हमारे प्रभारी मंत्री सुभाष जी गर्ग और प्रभारी इस यात्रा के डूंगराम जी गैदर के उपस्थिति में शहर विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई। सर्वप्रथम हमने जयनारायण जी व्यास के समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और पूरे सराफा बाजार घंटाघर से होते हुए निकलकर नई सड़क पर होते हुए हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा की यात्रा निकाली। और जो मुख्यमंत्री जी की योजना है, जो फ्लैगशिप योजना है, आम जन को राहत प्रदान करने की योजना है, उनको घर घर पहुंचाने का काम इस हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा में करेंगे। और हमें बेहद खुशी है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, पूरे जोश खोश के साथ, चाहे वो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हो, सेवा दल, यूथ, NSY, सभी DCC के पदाधिकारी, पार्षद दल और पार्षद प्रतिनिधि और सभी ने मिलकर जोश खोश के साथ इस यात्रा का शुभारंभ किया। और दो महीने तक चलने वाली इस यात्रा में हम घर घर तक पूरे कांग्रेस को, अशोक गहलोत की योजनाओं को पहुंचाएंगे। बताइए, जो आपने आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरुआत की है, किस तरह का उत्साह है? सर्वप्रथम तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने एक नए आगाज के साथ शुरुआत की है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसमें हमारे जोधपुर के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी जोश है। और उस जोश के साथ आज हमने एक पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें सभी जोधपुर के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल थे। और साथ साथ हमारे प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जी और हाथ से हाथ जोड़ो के प्रभारी डूंगर सिंह जी गैदर भी हमारे साथ उपस्थित थे। ये अभियान अगले 2 महीने तक चलेगा और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जो हमारी मंशा है, जो हमारे राष्ट्र नेता राहुल गांधी जी की मंशा है और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंशा है कि पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक और अखंड रखने की, और जिस तरीके का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, भय और डर का माहौल, उसको प्यार, मोहब्बत और सद्भावना में बदलने की आवश्यकता है। उसी के अंतर्गत जिस तरीके से राहुल गांधी सड़कों पर चले थे भारत जोड़ो यात्रा के तहत, उसी के अंतर्गत आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। और आने वाले 2 महीनों में हम इस तरीके से घर घर जाकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी की भावनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे कि जो हमारे देश में जिस तरीके का नफरत का माहौल है, उसको कैसे हम दूर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।